जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आम आदमी आता है अपने सपने को लेके, एक आम आदमी आता है यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए, और एक बना बनाया प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया। तो मैं चाहता हूँ हमारे सिस्टम के लिए और हमारे सिस्टम के फाउंडर लीडरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री सुनहरी लाल जी का, श्री देवेंद्र शर्मा जी का, श्री हरिशंकर जी का और श्री टिकेंद्र साहब का, जिन्होंने जिनकी लीडरशिप में, जिनकी मेंटरशिप के अंदर मेरे को चलने का मौका मिला, क्योंकि इनकी लगातार लीडरशिप, इनकी गाइडलाइन की वजह से आज मेरे को ये मुकाम मिला। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर योगेश यादव का। मिस्टर योगेश यादव दोस्तों मेरी जिंदगी मगर नहीं होते, आंखों में आंसू आ जाते जब इस आदमी के बारे में मैं सोचता हूँ। यह वो आदमी है हाई प्रायोरिटी के ऊपर हमेशा मेरे को आगे रखा। अरे मार्केट में एक आदमी अपने भाई को देख के खुश नहीं है, लेकिन यह कैसा सिस्टम है जिसके अंदर एक भाई अपने भाई को आगे बढ़ाता है और बाकी सारी चीजें पीछे लेता है। जोता था ये बताइए मिस्टर योगेश यादव के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर रामकिशन यादव का, मिस्टर जयपाल चौधरी, जो ऐसे मेरे को साथी मिले कि बहुत कुछ मेरे को सीखने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये मेरे जितने लोग साथी यहाँ पे बैठे हैं इनका, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है, ये ताकत आप लोगों की है जिसने एक आम आदमी को यहाँ से उठा के और ट्रिपल डायमंड बना दिया। दोस्तों मैं चाहता हूँ अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। आज से 9 साल पहले ये बिजनेस देखने का मौका मिला। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था बट फाइनेंशियली साउंड नहीं होने की वजह से डॉक्टरी का सपना बीच में छोड़ना पड़ा। सपना था मेरा कि डॉक्टर बनूंगा, अच्छी एजुकेशन मैंने किया, हमेशा टॉप क्लास पास किया, कभी 80-85% से नीचे दोस्तों मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से मैंने BSc के अंदर एडमिशन ले लिया। आप इंटरेस्टेड है मेरी कहानी सुनने के लिए? दोस्तों जब बिजनेस, ये बिजनेस देखने का मौका मिला श्री योगेश यादव जी को, सबसे पहले मैं बहुत नेगेटिव था इस बिजनेस को लेके और हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता था। मैं बोलता था कि मत भाई क्यों चक्कर में पड़ रहा है तू, मैं बोलता था इनको यूपी के लोग हैं, लेके भग जाएंगे तेरे पैसे को, कुछ नहीं होगा तेरा। सच बोल रहा हूं मैं, ये बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था। और जिस एरिया में हम रहते थे अलवर के अंदर, वहां एक जंगल होता था और उसको हम रिजोर्ट बोलते थे। और मैं ये भी मेरे दिमाग में चलता था कि ये जाएंगे ना तो रिजोर्ट में जंगल में सोके निकल जाएंगे, वैसे भी नहीं पता चलेगा। और ऐसे करते करते लगातार मैं चल रही थी लाइफ, पढ़ाई चल रही, लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बट कहानी इस तरह से जाती है कि जब ये बिजनेस, मैं जब मेरी एजुकेशन चल रही थी, साथ में योगेश जी बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस के अंदर मैंने एक बात समझी कि मैं तैयारी किस चीज की कर रहा हूं। मेरा ना कोई गोल था ना मेरा उद्देश्य था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। और ये बिजनेस के अंदर, क्योंकि सोबत का असर पड़ता है, आदमी जैसे माहौल में रहता है वैसे ही बन ही जाता है, हाँ या ना? दोस्तों मैं लगातार इनको देखता था, श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र जी मेरे कमरे के ऊपर आते थे और मैं खाना बनाता था इन लोगों के लिए। लेकिन इस सिस्टम के टच में रहने से एक बात मेरे को समझ में आ गई थी कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम यहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं और सपने पूरे करवाए जाते हैं, इस सिस्टम के बारे में मेरे को पता चला। और मैं जो तैयारी कर रहा था ना, मैं इंसान बड़ा बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, मैं आई हैव टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस काम को समझने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई, मेरे को सिखाया गया इस सिस्टम ने कि स्मार्ट लोगों का काम है। लेकिन स्मार्ट वो नहीं जो सकल सूरत से स्मार्ट होते हैं, नहीं, स्मार्ट लोग वो होते हैं जो सही डायरेक्शन में और सही मेथड से काम करते हैं। और मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था वो मेथड था 1 × 1 × 1 × 1 = 1। अकेला आदमी में काम करता, अगर किसी जॉब नौकरी में जाता और 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर अकेले से दोस्तों शुरुआत करता और लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पर अकेला ही होता। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन इस सिस्टम का जो मेथड मैंने समझा वो मेथड ये था, ये बिजनेस 1 × 1 में नहीं चलता मेरे दोस्त, ये बिजनेस 2 × 2 में चलता है, 2 × 2 × 2 × 2 बराबर इनफिनाइट। क्योंकि दो की जो ताकत है, अकेला आदमी यहाँ पे शुरू करता है। 9 साल पहले पवन यादव ने अकेले से शुरू किया और आज 80,000 हाथ और 80,000 पैर, यानी कि 40,000 लोग आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह है मेथड इस बिजनेस का।
और उस टाइम पे मैंने सर को बोला, जब मेरा दिमाग सेंटर में आया जैसे मेरे को काम करना चाहिए, सर को मैंने बोला सर बताइए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इतिहास रटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूँ। और मैं जानता हूँ ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आप भी मेरे दोस्त इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ या ना? पीछे वालों हाँ या ना? और ये सारी चीजें करने के बाद सर ने बोला कि टाइगर आजा बिल्कुल काम कर यहाँ पे और दमदारी से काम करना। और योगेश गुरुजी ने एक बात मेरे को सिखाई थी कि पवन आए तो दमदारी दिखाना, नहीं तो साला जो तेरी बीएससी चल रही है ना उसी में घुसे रहना, या फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फालतू के टाइम वेस्ट करने वाले लोगों का धंधा नहीं है, ये फालतू में टाइम वेस्ट करने वाले लोगों का काम नहीं है। मैंने बोला सर दिल से आ रहा हूँ, और आपने तो प्रूव कर दिया, अब असली ब्लड साला पवन यादव है ना तो प्रूव करके दिखाएगा डायमंड बन के इस कंपनी के अंदर, डायमंड बन के। और ये थैंक यू सो मच, ये कमिटमेंट लेने के बाद मैंने काम शुरू किया। गुरुजी के साथ बैठा मैं, टिकेन सर के साथ बैठा, सर को मैंने बोला कि सर क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मैं डायमंड बन सकता हूं? तो सर ने बोला कि यस आप डायमंड बन सकते हो लेकिन एक कंडीशन में। मैंने बोला सर मैं काम करूंगा तो क्या मैं डायमंड बनूंगा? तो गुरुजी ने बोला नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि पवन तू काम करेगा तो तू डायमंड बनेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर तू सही तरीके से काम करेगा तो स्टंप पे लिख के दे सकते तू डायमंड बनेगा, सही तरीके से काम करेगा तो। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैंने बहुत सारी गलतियां की, सिस्टम को समझा नहीं, और शुरुआत में मुझे लगता था कि ट्रेनिंग में जाने से कुछ होता नहीं है। दोस्तों मुझे लगता था कि दो लोगों का प्लान दिखाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग में जाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बार वेट स्टेप बताए जाते हैं। लेकिन काबिलियत के साथ साथ जब मैंने फील्ड में मेहनत करना शुरू किया, कुछ चैलेंज मेरे सामने आए, और चैलेंज आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सर काम चल नहीं रहा है, लोग जुट नहीं रहे। और ज्वाइन होने के बाद जब मेरा नेटवर्क 250 का था, मेरा सिंगल एक आदमी मेरे साथ नहीं था, टीम पूरी छोड़ के चली गई मेरे को। फिर मैं गुरुजी के साथ बैठा, सर तकलीफ बताइए प्रॉब्लम कहां है मेरे अंदर? तो गुरुजी ने बोला पवन यादव तेरे अंदर तकलीफ ये है कि तू सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तू ट्रेनिंग में नहीं आता। फिर मैंने समझा कि इस बिजनेस को भावनाओं के साथ साथ काबिलियत भी डेवलप करनी पड़ेगी, काबिलियत, क्योंकि केवल भावनाओं से काम नहीं चलेगा। मैं इमोशनल था कि मेरे को डायमंड बनना है, मेरे को बड़े लेवल पे जाना है, मेरे को कुछ स्पेशल करना है, लेकिन काबिलियत डेवलप नहीं करी दोस्तों मैंने। और जब तक स्किल डेवलप नहीं होती तब तक हम पब्लिक को किल करते रहते हैं। हाँ या ना? स्किल डेवलप नहीं हो रही थी, फिर मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया और ट्रेनिंग का लगातार मैंने फॉलो करना शुरू किया। और ये सिस्टम दोस्तों मैं बताता हूं, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपको आगे लेके जाता है। मेरे टोटल सक्सेस के अंदर किसी चीज का हाथ है तो वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हाथ है, क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हर लेवल के ऊपर मेरे को बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ट्रेनिंग लेने के बाद मैं फील्ड में उतरता गया, उसके बाद फिर मैंने एक्शन लेना शुरू किए, क्योंकि मेरे द्वारा लिया गया हर एक्शन या तो मेरे को टारगेट के नजदीक लेके जाएगा या मेरे को टारगेट से दूर लेके जाएगा। अगर मैं ट्रेनिंग में जाता हूं तो इसका मतलब मैं मेरे टारगेट के नजदीक जा रहा हूं, अगर मैं भागने दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं टारगेट से दूर जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं आज मीटिंग के अंदर, लोग लॉजिक देते हैं, प्लान के जहां बात आती है लोग लॉजिक देते हैं। दोस्तों लॉजिक नहीं दिया मैंने, लॉजिक नहीं दिया। फिर गुरुजी ने बोला, मैंने बोला सर क्या ये जो काम है ये काम क्या मेरी जिंदगी बनाएगा? तो गुरुजी ने पते की बात बताई, बोला पवन यादव ये काम तेरी जिंदगी नहीं बनाएगा, ये काम तेरी आदतें बनाएगा और तेरी आदतें तेरी जिंदगी बनाएंगी, आदतें जिंदगी बनाएंगी। थैंक यू वेरी मच। और हम जो बनते हैं अपनी आदतों की वजह से बनते हैं, राइट और रॉन्ग? आदतें मेरी सुधरी, आदतें मेरी सुधरी। ट्रेनिंग में आना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया। गुरुजी ने बोला कि बेटा प्रचार करना पड़ेगा, बगैर प्रचार के काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग प्रचार कर करके बड़े लोग बने हैं। बोल बोल के बताया मैंने लोगों को, प्रचार किया मैंने इस काम का। बाबा रामदेव का नाम सब जानते आई थिंक, यस और नो? बाबा रामदेव योग गुरु हैं, हाँ या ना? लेकिन बाबा रामदेव अगर प्रचार नहीं करते तो क्या जितना बड़ा नाम होता? नो, नेवर, कभी नहीं होता। मैंने यहाँ पे प्रचार करना शुरू किया इस काम का। कुछ चैलेंज आए और चैलेंज कुछ भी नहीं थे, लोगों के सिर्फ माइंड की साइकोलॉजी होती है और कोई चैलेंज नहीं है। जब मैं प्लान दिखाने के लिए गया था लोग बोलते धावा में मत उड़ो, लोग बोलते थे सड़क पे आ जाओगे, और मेरे हिसाब से सारे चैलेंज यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी फेस कर रहा है, हाँ या ना? अरे लोग बिल्कुल सही है, पागल बोलते हैं, और मैं बोलता हूं जब तक आप पागल नहीं बनते ना तो केवल रोटी रोजी का आप काम चलाते हैं, और पागल बनने के बाद आप इतिहास लिख देते हैं। और मुझे प्राउड फील हुआ कि लोग मेरे को पागल बोल रहे हैं, क्योंकि समझदार आदमी पागलों का इतिहास पढ़ता है, हाँ या ना? यस और नो?
और ये सब चीजें करते गए मैंने लगातार फील्ड में मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया जो एक्शन है ना, यही हमें आगे लेके जाता है। क्योंकि दोस्तों, आज अगर मैं कुछ हूं तो अपनी आदतों की वजह से हूं, और भविष्य में बढ़ूंगा आदतों की वजह से बढ़ूंगा, क्योंकि सिस्टम मेरे को सही रास्ता दिखा रहा है। हर आदमी को सिस्टम सही रास्ता दिखाता है, लेकिन अपनी आदतों की वजह से एक आदमी टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, एक आदमी कहीं कहीं नीचे रह जाता है। एक चैंपियन को आपने देखा होगा, चैंपियन कभी रिंग में चैंपियन नहीं बनता है, चैंपियन रिंग में केवल उसको पहचान मिलती है। मेरे दोस्त, चैंपियन को अगर चैंपियन बनते अगर आपको देखना है ना, तो उसके रोज की आदतों को देखो कि सुबह कितने बजे उठता है, क्या काम करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और कैसी संगत के अंदर रहता है, तब पता चलेगा एक चैंपियन कैसे चैंपियन बनता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन लोगों का तो क्या पेटेंट डायलॉग होते हैं लोगों के, तो ये मत कर, बेवकूफ हो जाएगा, ये लूटने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है, बोलते कि नहीं बोलते? मेरे को बोलते थे लोग, हितेश ही आते हैं, मेरे को बोलता था, मेरा रिलेटिव मेरे को बोलते थे कि तो भाई तू क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहा है, इससे बढ़िया बीएससी कर रहा है तू, कैप्सूल बनाने वाली फैक्ट्री में लग जा, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, 20-25 हजार रुपए मिल जाएगा। हितेश ही ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन एक साइड में हमारे हितेश ही होते हैं और दूसरी साइड में करोड़ों रुपए कमाने का विकल्प होता है, लेकिन विडंबना इस बात की है, हम उन हितेशियों के चक्कर में आ जाते हैं। मैं कभी मेरे हितेशियों के चक्कर में नहीं आया, क्योंकि मेरी लाइफ का डिजाइन जो है ना, वो मेरे को क्रिएट करना है मेरे दोस्त। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, मेरे साथ क्या दिक्कत थी, हम अपने लाइफ का स्टेयरिंग किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, और वो क्या क्या डिजाइन तैयार करके देते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं कहीं ना कहीं। हाँ है ना, यस और नो? कुछ लेसन मैंने यहाँ पे सीखे इस कंपनी में आने के बाद, पेशेंस रखा मैंने, लगातार मेहनत किया मैंने। सर ने बोला बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 महीने के अंदर तू सोचे डायमंड बन जाएगा, 5 महीने में डायमंड नहीं बनेगा। लेकिन तकलीफ हमारे साथ वहां होती है कि सर 3 महीने हो गए काम करते हुए, ओडी तो आई नहीं है, 3 महीने हो गए सर काम करते हुए, बीएमडब्ल्यू तो आई नहीं है। अरे किसान आदमी बेचारा 6 महीने का वेट करता है एक कुछ चंद हजारों रुपए की फसल काटने के लिए, लेकिन हमें 3-4-5 महीने के अंदर डायमंड शिप चाहिए होती है। सिस्टम ने बताया मेरे को 3-4 साल लगेगा, अगर दमदारी है तो मोस्ट वेलकम, और दमदारी नहीं है तो भीड़ कम, निकल जाए यहां से। थैंक यू वेरी मच। पेशेंस रखा मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो सहतूत होता है ना, वो पेशेंस रख के ही रेशम बनता है मेरे दोस्त। और उसके बाद सकारात्मक सोच डेवलप करी इस बिजनेस ने, सकारात्मक सोच के साथ में इस बिजनेस के अंदर आया, पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने रखा इस बिजनेस के अंदर। लेकिन ज्यादातर लोग समझाते हम कुछ है और लेके कुछ अलग जाते हैं। एक जोक सुनाता हूं आपको मजा आएगा। एक बार एक आदमी बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी को अगर मैं विजिट करना शुरू करूं ना, तो पूरे दिन में मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी भी विजिट नहीं कर सकता। तो एक आदमी बोलता है ऐसी खटारा का अर्थ हमारे पास भी, हमने तो बेच दी। थैंक यू वेरी मच। एक आदमी समझाना कुछ चाहता है और आदमी लेके कुछ जाता है। यस और नो? तो यहाँ पे जब आप सिस्टम में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, हम आपको समझाते कुछ है, गुरुजी समझाते कुछ है, लेकिन लेके कुछ लोग जाते हैं। यहाँ से कुछ लोग हल्ला लेके जाएंगे और यहाँ से कुछ लोग मुट्ठी बांध के और दिल में मिशन लेके जाएंगे। दोस्तों, दिल लगाया मैंने इस बिजनेस में, दिमाग नहीं लगाया। जिस दिन जुड़ा था ना, उस दिन दिमाग को साइड में रख दिया था मैंने, क्योंकि ये काम दिल लगाने से चलता है, दिमाग लगाने से नहीं चलता है। थैंक यू वेरी मच। दिल लगाया इस काम के अंदर, बड़ी लग्जरी लाइफ हो गई आज इस बिजनेस के वजह से। कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है। एक आम आदमी को इस सिस्टम ने टॉप लेवल पे पहुंचा दिया, एक आम आदमी को ट्रिपल डायमंड पहुंचा दिया। लोग बोलते हवा में मत उड़, अरे बिल्कुल सही कहते हैं लोग, क्योंकि धंधा हवा में उड़ने का ही है। जब आप जहाज में बैठते हैं ना, जब मैंने पहली बार हवाई जहाज के अंदर कदम रखा था, थाईलैंड गया था मैं, उस टाइम जब मैंने पहला कदम रखा था, तब मेरे को याद आती है लोग तो बिल्कुल सही कहते हैं हवा में मत उड़, क्योंकि बिजनेस तो हवा में उड़ने का ही है, हवा में उड़ने का ही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे 5-5 बार ओवरसीज ट्रिप हुई इस बिजनेस की वजह से, लगातार चलने की वजह से, लगातार कमिटमेंट की वजह से, और दोस्तों लगातार सकारात्मक सोच की वजह से आज जो मैं बना, ये सारी चीजें यहां से हुई। और अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, कभी कार का सपना होता था कि मेरे पास कार होगी, दोस्त इस बिजनेस की वजह से एक कार ली, फिर दूसरी कार ली, फिर तीसरी कार ली, और आज इस बिजनेस का मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं मेरे गुरु लोगों को, क्योंकि इनके आशीर्वाद की वजह से, इनके गजब के सिस्टम की वजह से और गजब के अपॉर्चुनिटी की वजह से आज 38 लाख की ओडी से आज इस बिजनेस को करता हूं मैं, लग्जरी लाइफ हो गई है। थैंक यू वेरी मच। लोग मेरे को बोलता था तुम्हारा समय खराब आ गया है, क्या बोलते थे? थोड़ा तेज बोलो यार, क्या बोलते थे? समय खराब आ गया है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग, समय खराब आ गया है, इससे बढ़िया समय क्या होगा।
40 लाख को गाड़ो और 2.5 करोड़ 2.5 लाख को राडो, इससे बढ़िया समय होगा कोई? होगा क्या? नो, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय होता था जैसे हमारे योगेश्वर बोलते हैं कि टिम टिम घड़ी होती थी हमारे घड़ी कलाई के ऊपर, लेकिन आज तो इस कलाई को भी साले को विश्वास नहीं हुआ होगा कि इसके ऊपर राडो भी बन सकती है। लेकिन वारे सिस्टम, वारे कंपनी, वारे मेरे आदर्श लोग, जिसके वजह से एक आम आदमी को खास बना दिया इस बिजनेस में, आम आदमी को खास बना दिया। थैंक यू वेरी मच। परिवार में हर चीज की खुशी है, हर चीज की शांति है, बड़ी लग्जरी लाइफ है। जो चीज चाहते हैं उससे पहले वो चीज घर वालों को मिल जाती है। और मैं बोलता हूं, अगर आपके दिमाग में शांति है, इससे बड़ा शायद कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता है। आपकी वजह से, आपके परिवार में, जिस कंपनी के वजह से, जिसके अंदर, जिस परिवार के अंदर बड़ी खुशियां चली जाए, मेरे हिसाब से इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं यहाँ सपने दिखाते हैं, अरे मैं बोलता हूँ यहाँ सपने दिखाते ही नहीं, सपने पूरे भी करवाए जाते हैं, और सपने दिखा के पूरे करवाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है मेरे दोस्त। हाय ना, हाय ना, हाय ना। लेकिन पब्लिक आएगी, चिंता नहीं करना। लोग बोलते हार्डवर्क है, काय बात का हार्डवर्क है? कोई हार्डवर्क नहीं है यार, हार्डवर्क मेरे पिताजी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने उनको देखा था हार्डवर्क करते हुए। अरे बेचारा सुबह 7 बजे एक आदमी घर से निकलता है और रात को 7-8 बजे घर पे आता है। इतना हार्डवर्क किया उन्होंने, ना मैंने कभी उनको जून में छुट्टी करते देखा, ना मैंने कभी मई के अंदर छुट्टी करते देखा। जिस टाइम पे पत्थर के हाथ नहीं लगा सकते ना, उस टाइम पे उस आदमी ने हार्डवर्क किया है। और सुबह ना धो के जाता था और जब घर पे आता था पूरा एकदम मिट्टी के अंदर आता था, हम बोलते थे मुंह धो के आता, पहचाना ही आप ही हो। ये इसको बोलते हैं हार्डवर्क। टिकन सर बहुत अच्छी बात बता दी, हार्डवर्क है। जहां जाते हैं, जिस घर के ऊपर, एक आदमी बढ़िया से सुनता है, एक आदमी बढ़िया से चाय पिलाता है, उसके बाद आदमी आपका फॉर्म फिल करता है, जो आपका फ्री का डेटा फॉर्म आता है वो फॉर्म भरता है, उसके बाद फिर आपको डीडी देता है और चेक आपके बनते हैं, चेक हमारे बनते हैं। ये हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। थैंक यू वेरी मच। और ये काम मैं बोलता हूं, अगर इस काम को मेरे पास 1000 विकल्प थे काम करने के, लेकिन जिंदगी को अगर मेरे को काटना था तो मेरे दोस्त कोई भी काम करके मैं जिंदगी काट सकता था, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है ना तो सेफ शॉप से बढ़िया काम नहीं होगा। इस सेफ शॉप से अच्छा और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बढ़िया हिंदुस्तान का कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा। ये सिस्टम रियल एजुकेशन देता है हमें, यह सिस्टम। मेरे को कॉलेज में एजुकेशन दी जाती थी, स्कूल में मेरे को एजुकेशन दी जाती थी कि फलाने लड़ाई कब हुई, पानीपत का युद्ध कब हुआ। क्या फर्क पड़ता है यार, पानीपत के युद्ध करने से कौन से हमारे घर में चूल्हा जलता है? जलता है क्या? नहीं जलता है। लेकिन इतिहास में हमको घुसाया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ। हमने आपने तो नहीं करवाया ना, करवाया क्या? हमने आपने नहीं करवाया। बिगड़ गई होगी किसी बात पे, यस और नो? लेकिन यह सिस्टम बताता है आपका घर का चूल्हा कैसे चल सकता है, यह सिस्टम बताता है आपका घर के अंदर बड़ा पैसा कैसे आ सकता है, यह सिस्टम आपको बताता है आपका घर ऑडी बीएमडब्ल्यू कैसे आ सकती है। यह है असली एजुकेशन, यह है असली एजुकेशन। बीएससी का क्या फायदा हुआ मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन 8 साल काम करने के बाद इस सिस्टम का कितना बड़ा फायदा हुआ। 2 लोगों से बोलना नहीं आता था मेरे को, इस सिस्टम की ताकत मैं आपको बता रहा हूं। लोग मजाक उड़ाते हैं सिस्टम का, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा कि कंपनी चलेगी क्या। लोग बोलते हैं ये काम शहर में चलेगा, ये काम गांव में चलेगा। अरे मैं बोलता हूं ये काम वहां चलेगा जहां ड्रीमर रहते हैं, जहां सपने देखने वाले रहते हैं, वहां चलेगा ये काम। और मैं जानता हूं कि जितने लोग यहां पे बैठे हैं ना, ये सारे के सारे ड्रीमर बैठे हैं। हाय ना, इस बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्त। ये ना जात पूछता है, ना ये धर्म पूछता है, ना ये काम आपका एजुकेशन पूछता है, ना आपका फिजिकल स्टेटस देखता है, ना ये आपका एजुकेशन देखता है, ये ना काला है कि गोरा है ये देखता है। ये एक ही बात बोलता है, अगर तेरे जिगरे की जगह जिगरा है और जिगरे में दम है तो आ, और ये सेफ शॉप तेरे को डायमंड बनाएगा, ये सेफ शॉप तेरे को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। हिम्मत है तो आइए और डायमंड बनके दिखाइए। लीव देम हु गिव्स यू योर नेगेटिव थॉट्स। जो आदमी आपको नकारात्मक सोच देता है ना, सबको छोड़ दो, चिंता नहीं करना, क्योंकि सच्चे दोस्त आपको इस बिजनेस में और इस सिस्टम के अंदर मिलेंगे मेरे दोस्त। सच्चे गुरु मेरे को मिले, सच्चे दोस्त मेरे को मिले, इस सिस्टम की वजह से मेरे को बहुत प्यारी सी टीम मिली, बहुत प्यारे गुरु लोग मिले मेरे को। और जैसी संगत, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी संगत होती है कि नमकीन तू ले आना, पेप्सी में ले आऊंगा, कल तूने मूवी दिखाई आज मैं दिखाऊंगा,
कल मैंने मूवी दिखाई, आज तू दिखाना। हम ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं। अरे लाख लाख धन्यवाद देता हूं भगवान का कि इस बुद्धि को ना भ्रष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों की संगत में डाल दिया जो ओडी बीएमडब्ल्यू के मालिक है और आज पवन यादव के पास आ गई। ऐसे लोगों की संगत में डाल दिया जो लाखों रुपए कमाते हैं, हर वीक लाखों रुपए आता है, और ऐसे लोगों की संगत में डाल दिया जो करोड़ों के मकान में रहते हैं और एक आम आदमी को करोड़ों के मकान में रख दिया। दोस्तों तब बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूं, जैसी संगत वैसा बैंक बैलेंस, जैसी संगत वैसा बैंक बैलेंस।